जा करके हमने कहा कि भाई एक काम करो कि जहां पर जिन लोगों को ये एलओआई इशू की है, हमारे बीच में विजेंद्र गुप्ता जी सदन के विपक्ष के नेता हमारे बीच में आए हैं, तो जब उनको ये कहा कि भाई ये जो आपने लेटर इशू किए हैं, तो इन्होंने खुद जाकर के जांच पड़ताल की। आप ये जानकर के हैरान होंगे जो ऑटो भाई हम चालक हमारे आए हुए हैं कि एक ही घर के ऊपर 8-8 पते पर एलओआई इशू कर दी गई। और इसके साथ ही इतना ही नहीं, उन घरों के अंदर जब इन्होंने एनडीटीवी के लोग गए, टीवी पे आपने देखा होगा, 20 साल से उस घर में कोई रहता ही नहीं और कोई वहां पर कभी ऑटो किसी ने चलाया नहीं। तो इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार जो हुआ है।